हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा मेकओवर। तो आज मैं अभी आने वाला है जन्माष्टमी, कल या परसों है जन्माष्टमी। तो मेकअप लुक तो मैं नहीं सूट कर पाई हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक आई मेकअप शेयर मैं कर देती हूँ पीकॉक से इंस्पायर, क्योंकि अगर किसी को वैसा कलरफुल आई मेकअप जन्माष्टमी में करना होगा तो आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहले ना मैंने बेस दिया था, जो कि आप लोगों को पता है कि मैं डमी पे करती हूँ, तो जैसे आईज़ पे प्रोसेस होता है सेम वैसे ही डमी पे भी होता है प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बेस दिया, देन उसके बाद करा है मैंने थोड़ा सा कंट्यूर करा है आई को, लाइक अ क्रीज पे थोड़ा सा डेप्थ दिया है। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लू कलर लिया, मतलब एकदम पीकॉक वाला, पीकॉक से पूरा एकदम जितने जितने कलर्स होते हैं पीकॉक फेदर्स में उतने कलर्स मैंने यूज नहीं किया, बस मतलब एक थोड़ा सा देख के लग रहा है कि थोड़ा सा पीकॉक से इंस्पायर होकर एक कलरफुल आई लुक दिया है मैंने। तो अगर आप लोग को जन्माष्टमी में इस टाइप का कलरफुल आई मेकअप करना है तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इस वीक मैं मेकअप लुक नहीं बना पाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक डमी पे ही आई मेकअप आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्लू दिया, देन उसके बाद ग्रीन डाला, और उसके बाद उससे भी लाइटर एक ग्रीन होता है उसमें हल्का सा शिमर पार्टिकल था जो कि मैंने इनर कॉर्नर पे फिल कर दिया। और उसके बाद जो सेंटर ऑफ द आईलिड होता है, जो पीकॉक फेदर में गोल्डन वाला जो एक सेंटर पे जो पार्ट होता है ना, उससे इंस्पायर होकर थोड़ा सा मैंने गोल्डन का शिमरी शेड लिया और सेंटर ऑफ द आईलिड पे मैंने अप्लाई करा है, आप लोग देख लेना। तो ब्रशेज से मैंने पहले अप्लाई करा था, लेकिन डमी पे ना हाथ से कलर्स अच्छे से डमी पे फील होते हैं, तो इसलिए मैंने ब्रशेज से तो पहले अप्लाई करा, देन उसके बाद मैं हाथ से भी अच्छे से, मतलब हाथ से आप डमी पे अप्लाई करो ना, फिंगर से सॉरी, तो उससे ना कलर्स अच्छे से जाते हैं डमी पे, तो इसलिए मैंने फिंगर से थोड़ा सा एक टचअप दे दिया है। तो आप लोग देख सकते हो, उसके बाद सेंटर ऑफ द आईलिड पे आप लोग देख सकते हो कि मैं गोल्डन का शेड अप्लाई कर रही हूँ, इसमें एक शिमर पार्टिकल है, ग्लिटर नहीं है, शिमरी गोल्डन शेड है, जो कि थोड़ा सा ताकि हमारा आईलिड पॉपअप होके थोड़ा सा दिखे। तो आप लोग देख सकते हो कि ये रहा, उसके बाद मैंने जस्ट आईलाइनर अप्लाई कर दिया था, और ये रहा हमारा फाइनल लुक आई मेकअप का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, लव यू, टेक केयर। और इस वीक मैं मेकअप लुक नहीं ला पाई हूँ जिसके लिए, तो आगे से मैं ट्राई कर रही हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ, टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं देख रही हूँ कि और अच्छा अच्छा मैं मेकअप लुक लाऊंगी। तो उसके लिए आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। ओके, बाय, लव यू, टेक केयर।